कहानी की शुरुआत में हम एक समुद्र में एक याट को देखते हैं, जिसमें एक न्यूली वेड कपल का अंडरवाटर वेडिंग शूट चल रहा होता है। इसके बाद फांगले और लुहान पानी के अंदर कूदते हैं और फांगले लुहान को वेडिंग रिंग पहनाता है। अब शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था, दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए काफी खुश थे, अपना फ्यूचर साथ देख रहे थे। तभी अचानक से लुहान के पीछे एक बड़ी शार्क आ जाती है, लेकिन फांगले कुछ नहीं कर पाता और बेबस होकर देखता ही रहता है। और वो किलर शार्क लुहान को उसकी आंखों के सामने ही मार डालती है। इसके बाद वो किलर शार्क फांगले के पीछे भी आने लगती है। ये देखकर फांगले बहुत डर जाता है और भागकर किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है। अब कुछ सालों के बाद की कहानी दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि ये एक सपना था जिसे फांगले अक्सर सोते वक्त देखा करता था, क्योंकि ये उसके साथ पहले सच में हो चुका था। और फांगले अभी भी अपनी वाइफ लुहान के बारे में नहीं भूल पाया था और हर वक्त उसकी यादों में खोया रहता था। फांगले अपने बिस्तर से उठकर स्मोक करता है। वहीं टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है, जिसमें बताया जा रहा था कि जल्दी समुंदर में भूकंप आने वाला है, जिसकी वजह से सुनामी भी आ सकती है। और अभी तक समुंदर के किनारे 6 मरे हुए किलर शार्क पाए गए हैं। अगले सीन में हम एक लड़की को समुंदर के किनारे देखते हैं, जो एक्सरसाइज करने आई हुई थी। तभी वो लड़की देखती है कि कुछ लोगों ने वहाँ भीड़ लगा रखी है। जब उनके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी शार्क मरी हुई है, जिसे देख सब लोग हैरान थे। तभी एक आदमी फांगले को खोजने आ जाता है, जिसे देखते ही फांगले छुपने लगता है, क्योंकि उसने इस आदमी का कर्ज वापस नहीं किया था। इसके बाद फांगले उससे चकमा देकर उसी की बोट चुरा कर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब बोट लेकर फांगले उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ शार्क मरी हुई पड़ी थी, पर आज इनको मौसम भी अजीब लग रहा था। तभी सब लोग ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चिड़िया समुन्दर से आइलैंड की तरफ आ रही थी और ये संकेत था कि समुन्दर में कुछ बहुत बुरा अजीब होने वाला है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो उन समुन्दरी गोताखोर की कोच होती है, जो घूमने के लिए उस आइलैंड पर आते थे। अब वो अपनी दो स्टूडेंट्स को डाइविंग सिखाने जा रही थी, लेकिन अब एक लड़की जैसे ही पानी के अंदर जाती है, तभी अचानक से उसके सामने से बहुत सारी मछलियों का झुंड आने लगता है और उनके तेजी से टकराने से उसका ऑक्सीजन ट्यूब निकल जाता है। राइट टाइम पर आकर उसकी हेल्प के लिए आ जाती है और बचाकर अपने साथ बाल ले आती है। तभी हम इनकी शिप के नीचे से जाते हुए एक बहुत बड़ी किलर शार्क को देखते हैं। देन हम पूल में कुछ लोगों को एंजॉय करते देखते हैं। तभी सांगनी नाम का एक बड़े बाप का अमीर ज्यादा अपने सर पर शार्क का फिल लगाकर एक लड़की की तरफ बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। वो लड़की डर जाती है और उसे लगता है कि पूल में शार्क आ गई है, लेकिन तभी सांगनी बाहर निकल बहुत हंसने लगता है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ आता है और इस गंदे मजाक के लिए उनमें बहस हो जाती है, लेकिन सांगनी का बॉडीगार्ड सीओपेन बहुत ही तगड़ा और डोले शोले वाला था, जिसके डर से उसका बॉयफ्रेंड और वो लड़की वहाँ से खिसक लेते हैं। अब दूसरी ओर होटल का मैनेजर मिस्टर सू वहाँ आए नए टूरिस्ट का स्वागत कर रहा होता है। तभी वहाँ भागता हुआ फांगले आ जाता है, जो कि पहले से उस होटल में जॉब करता था, और अपनी सैलरी मांगने लगता है, लेकिन ज्यादा शराब पीने की लत की वजह से वो कुछ दिनों से काम पर नहीं आया था। मिस्टर सू से बहुत डांटकर फटकारते हैं, कहते हैं कि तुम सुबह सुबह शराब कैसे पी लेते हो, लेकिन फांगले की माफी और बहुत रिक्वेस्ट करने पर मैनेजर फांगले को दोबारा काम पर रख लेता है और कहता है कि आगे से दोबारा से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब शाम को पार्टी चल रही होती है और फांगले वेटर का काम कर रहा था। तभी मिस्टर सू फांगले के पास आता है और बताता है कि ये हमारे होटल के मालिक का बेटा सांगनी है और सांगनी की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे होटल के इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, जिस पर फांगले मिस्टर सू से सब अच्छा करने का वादा करता है। तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है और फांगले लीजा को देखता ही जाता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि दोनों लीजा और फांगले उसी होटल के लिए काम करते थे। इसके बाद लीजा ड्रिंक लेके वहाँ से चली जाती है, फिर फांगले भी कुछ बॉटल लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। तभी सांगनी लड़की के पास जाकर बात करने लगता है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उन दोनों में फिर से बहस होने लगती है। तभी सांगनी का बॉडीगार्ड सीओपेन बॉयफ्रेंड को पकड़ पानी में फेंक देता है। ये देख लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बाहर निकालने जाती है, लेकिन इसी वक्त एक छोटा सा भूकंप आ जाता है और भूकंप की वजह से यहाँ का टावर भी टूट जाता है। अब इस बात से सभी परेशान होने लगते हैं। ये हलचल देख होटल मैनेजर मिस्टर सू सबको शांत कराता है और समझाता है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसके बाद सब लोग फिर से पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अब लीजा समुद्र किनारे जाती है और वहाँ फांगले पहले से मौजूद था, फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी लीजा फांगले के हाथ पर शार्क वाले जख्मों को देख लेती है और कहती है कि तुम तो फ्री डाइविंग चैंपियन हुआ करते थे, लेकिन उस घटना की वजह से तुम पानी में जाने से भी अब डरते हो। जिस पर फांगले कहता है कि फिर भी जिंदगी तो चली रही है, क्या फर्क पड़ता है, लुहान तो अब रही नहीं। तो लीजा कहती है तुम अभी भी अपनी वाइफ लुहान को नहीं भुला पाए हो, नहीं तो तुम्हारे जैसा इतना टैलेंटेड आदमी यहाँ पर नहीं रहता। यह सुन फांगले बहुत गुस्सा होने लगता है, जिसके बाद लीजा इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती।
अब अगले दिन लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन उसका फोन अंदर होटल में छूट गया था, इसलिए दोनों फोन को वापस लेने जाते हैं। अब सभी लोग बीच पे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी बहुत सारी बर्ड्स समुद्र की तरफ से आने लगते हैं और ये देख यहाँ का लाइफ गार्ड बहुत शौक होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ तेज लहरों की सुनामी आने लगी है। ये देख गार्ड सभी को अलर्ट कर देता है। अलार्म के शोर से वांगले की नींद खुल जाती है। उस सुनामी को फुल स्पीड में आता देख वो बहुत हैरान हो जाता है। तभी वांगले डरकर लीसा को भी जगा देता है और सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन पानी की लहर बहुत ही ज्यादा तेज थी इसलिए बहुत से लोग इसके अंदर डूब जाते हैं। फिर भी कुछ लोग बचकर होटल के अंदर चले गए थे। तभी लीसा पानी के अंदर डूब रही होती है, लेकिन वांगले लीजा को ठीक समय पर बचा लेता है। लेकिन उस सुनामी की वजह से चारों तरफ पानी भर चुका था, पानी होटल के अंदर घुस गया था और धीरे धीरे लॉबी में पहुंचना शुरू हो गया था। अंदर फंसे सब लोग परेशान हो रहे थे कि उनकी मदद करने कोई कैसे आएगा, क्योंकि वहां से का सिग्नल टावर टूट चुका था। अब इन दोनों के अलावा यहाँ पर सांगनी, उसके डैड, उसका बॉडी गार्ड सीओपेन और कोच भी फंसी हुई थी, और वो कपल भी एक अलमारी के नीचे दब चुके थे। अब ये लोग इस बात से परेशान थे कि इन्हें सुनामी का अलर्ट क्यों नहीं सुनाई दिया। तो वांगली बताता है कि तेज भूकंप की वजह से टावर ऑलरेडी टूट गया था। अब इनके बीच बहुत टेंशन और डर का माहौल था, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि इन्हें बचाने के लिए गवर्नमेंट रेस्क्यू टीम को भेजेगी भी कि नहीं। अब कपल दोनों कोशिश करते हैं अलमारी को हटाने की, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, तो वो मदद के लिए आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन होटल के एरिया में उनकी आवाज सुनने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए दोनों अभी भी फंसे रहने की वजह से बहुत तकलीफ में होते हैं। अब हम देखते हैं कि होटल के अंदर तेजी से पानी भरना शुरू हो गया था, जिसके साथ में वो किलर शार्क भी यहाँ पर आ गई थी। अब सभी पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ का पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था और अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो जल्दी वो जगह भी डूबने लगेगी। ये देख वांगली इनको शांत कराता है और लॉबी में चलने का आइडिया देता है, क्योंकि लॉबी इस जगह से ज्यादा ऊंची है इसलिए वे लोग वहाँ पर ज्यादा सेफ रहेंगे। अब सभी को वांगली के लॉबी का आइडिया बहुत पसंद आता है और सबसे पहले कोच गर्ल बाहर आ जाती है और वांगली और लीसा भी चढ़कर बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाकी सब अभी भी पीछे फंसे हुए थे, जबकि कोच गर्ल इनसे काफी आगे जा चुकी थी और बाकी लोगों से भी आने को कहती है। पर तभी अचानक से वो किलर शार्क कोच गर्ल के पैर को नीचे खींच लेती है। कोच बचने के लिए भागती है, लेकिन वो किलर शार्क जंप करके कोच गर्ल को जिंदा ही निकल कर खा जाती है। अब किलर शार्क के खतरे को देख फांगली और लीसा बहुत डर जाते हैं और जल्दी से वापस अंदर चले जाते हैं, लेकिन अब किलर शार्क को ये पता चल गया था कि गेट के अंदर उसके लिए बहुत सारा खाना है, इसलिए शार्क गेट पर टक्कर मारकर हमला करने लगती है। फिर ये डाइनिंग टेबल की हेल्प से मेन गेट को ब्लॉक करने लगते हैं, जिससे किलर शार्क अंदर ना आ सके, लेकिन ये इस तरह से ज्यादा देर तक शार्क को नहीं रोक सकते थे। अब वांगली को एक कुल्हाड़ी दिखती है और ग्लास बॉक्स को तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। अब कुल्हाड़ी से मारकर वांगली लॉबी के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा पानी में होने की वजह से वांगली अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर पा रहा था। ये देख लीसा आकर पानी के अंदर टेबल को खड़ा कर देती है। अब टेबल पर चढ़कर वांगली फुल पावर से कुल्हाड़ी से बार बार अटैक करता है और दरवाजे को फाइनली तोड़ देता है। अब दोनों जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं तो पानी के तेज बहाव की वजह से ये दोनों भी बहकर अंदर चले जाते हैं। अब दरवाजा खुला देख सांगनी और उसका बॉडीगार्ड भी टेबल छोड़कर अंदर जाने लगते हैं। अब वहाँ एक फादर और उसकी बेटी सोंगविन भी होती है। फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए उस गेट को अकेले ब्लॉक करा रहता है और अपनी बेटी सोंगविन को वहाँ से भगा देता है, लेकिन तभी किलर शार्क टक्कर मारकर उन्हें गिरा देती है। अब किलर शार्क फादर को नीचे खींच लेती है और मारकर खा जाती है। सांगनी और उसका बॉडीगार्ड लड़की को अंदर खींचकर तुरंत गेट को बंद कर देते हैं। अब चोट लगने के कारण फांगली बेहोश हो गया था, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे होश में आ जाता है। अब फांगली को सोंगविन के डैड इधर दिखाई नहीं देते तो वो लीजा से पूछता है, तो लीजा उसे उनकी मौत के बारे में बताती है। अब परेशानी और ईगो की वजह से सांगनी और उनके बीच में लड़ाई होने लगती है, जिस पर सांगनी उनसे अलग होने का डिसाइड करता है और अपने बॉडी का सीओपेन के साथ चला जाता है। अब दोनों साथ में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक वे शार्क को उनके करीब आते देखते हैं, जिससे सांगनी की फटने लगती है और सांगनी अपने बॉडी का सीओपेन के पैर पकड़कर उसे बचाने की भीख मांगने लगता है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो उसी का शार्क टॉय है जिससे वो लड़कियों को डराया करता था। अब हम होटल मैनेजर मिस्टर सू को भी एक जगह फंसे हुए देखते हैं। वो मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन नो सिग्नल की वजह से कोई कॉल नहीं लगती, तो फ्रस्ट्रेट होकर मिस्टर सू हेल्प के लिए आवाज लगाने लगता है, जिसे दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा सांगनी सुन लेता है और डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर जैम हो गया था, तो दोनों सेल्फिश होकर मिस्टर सू को वहीं पर छोड़कर आगे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वांगली कुछ टाइम में यहाँ पर आ जाता है और दरवाजे को तोड़कर मिस्टर सू को बचा लेता है। अब इन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही पानी में कोई भी हरकत हो रही थी। तभी सांगनी दौड़कर घबराते हुए इनके पास आता है
और बताता है कि उसका बॉडी का सीओपेन भी मारा जा चुका है। ये सुन सब जल्दी बॉडीगार्ड की डेड बॉडी के पास आते हैं। सांगनियो ने बताता है कि वो अचानक से पानी में गिर गया था। तभी वांगले की नजर इलेक्ट्रिक वायर पर जाती है जिसकी वजह से बिजली पानी में उतर गई थी। हर जगह करंट ही करंट था। अब वो बहुत बुरे फंस चुके थे। एक तरफ किलर शार्क का खतरा था तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक करंट का, और इससे मिस्टर सुई बहुत डरने लगता है। लेकिन वांगले समझाता है कि हम बिजली के एरिया को से काफी डिस्टेंस पर हैं, इसलिए हमें करंट नहीं लगेगा। अब सब बहुत परेशान होते हैं कि वे यहाँ से आगे कैसे जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि किलर शार्क अपने अटैक से डोर के ग्लास को तोड़ने लगी है। फिर बॉडीगार्ड सीओपेन की लाश पानी में बहने लगती है, और इससे वांगली समझ जाता है पानी अब अंदर आने लगा है, इसलिए शार्क ने दरवाजे को जरूर तोड़ दिया है। अब वांगली अपने दिमाग का यूज कर इलेक्ट्रिसिटी के मेन स्विच को बंद करने का प्लान बनाता है। फिर वो मिस्टर सू की मदद से सीलिंग फैन पर कूद कर लटक जाता है और ऊंची चीजों पर जंप करते हुए मेन सर्किट वाले रूम में आ जाता है। लेकिन मेन स्विच अभी भी काफी दूरी पर था, तो वांगली हिम्मत कर अपनी जान की बाजी लगाते हुए जंप करके मेन स्विच को ऑफ करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अंदर से जब उन्हें वांगली की कोई भी आवाज नहीं आती तो वह सब हार मानने लगते हैं। पर तभी वांगली गेट खोलकर बाहर आ जाता है, और वांगली को सही सलामत देख लीजा उसके गले लग जाती है क्योंकि लीजा उसे बहुत पसंद करने लगी थी। फिर सभी लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम फिर से उसी फंसे हुए कपल को देखते हैं। कपल किसी तरह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड सीओपीन की लाश को तैरते देख लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। अब सामने का रास्ता ट्रक की वजह से ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से वो दोनों बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिस पर लड़की बहुत परेशान होने लगती है क्योंकि अगर उनकी कोई भी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आया तो वो शायद यहाँ पर फंस कर भूख से ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे या खुद किलर शार्क का खाना बच जाएंगे। अब दूसरी ओर वांगले के ग्रुप का भी रास्ता बंद हो चुका था, और तभी सोंगवेन की भी तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसके दाहिने पैर एक मेटल रॉड से जख्मी हो गया था। अब सभी बहुत टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उनके बाहर निकलने का केवल एकमात्र रास्ता यही था, और ये भी अब ब्लॉक हो चुका था। तब वांगली हिम्मत न हार कर कुलाड़ी से बार बार अटैक करने लगता है, जिसकी आवाज को दूसरी साइड वाले कपल सुन लेते हैं, लेकिन दीवार काफी मजबूत होने की वजह से नहीं टूटती। तब सोंगवेन को एक आइडिया आता है, और वो वांगली से वॉल पर तीन जगह मार्क लगाने को कहती है, जिसके बाद वांगली ऐसा ही करने लगता है। तभी सांगनी मिस्टर सू के साथ दरवाजे पर आ जाता है, लेकिन अब इसके ग्लास टूट चुके थे, जिसे देख सांगनी जान जाता है कि वो किलर शार्क यहीं पर है, इसलिए दोनों तुरंत वापस आने लगते हैं। वहीं अब दीवार आसानी से टूट जाती है, जहाँ दूसरी ओर कपल भी वेट कर रहे थे, और दोनों वांगली को देख मदद के लिए आवाज लगाने लगते हैं, जिसके बाद वांगली उस तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ का दरवाजा खुल जाता है, जिसकी वजह से किलर शार्क अंदर आ जाती है। ये देख सांगनी मिस्टर सू को जख्मी कर देता है और खुद सेल्फिश होकर यहाँ से भाग निकलता है। अब इसकी ब्लड की स्मेल से अट्रैक्ट होकर किलर शार्क मिस्टर सू को मार देती है। तभी लीसा पानी को पड़ते हुए नोटिस करती है, जिसके बाद वांगली फौरन इसे और सोंगवेन को दूसरी तरफ भेज देता है, और इनको किसी ऊंची जगह पर चले जाने के लिए बोलता है। तभी दोनों भी कपल के पास आ जाते हैं, लेकिन इधर शार्क सांगनी के पीछा करने लगी थी, फिर भी वो किसी तरह वांगली के पास आ जाता है। तब वांगली इसे भी दूसरी तरफ भेज देता है, और खुद को बचाते हुए उस किलर शार्क के साथ पानी में गिर जाता है। अब इस खतरनाक मंजर को देख सब टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन वांगली खुद को किसी तरह बचा लेता है। फिर अचानक से इसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि इस वक्त उसे वही घटना याद आने लगी थी जब शार्क ने इसकी वाइफ लुआन को मार दिया था। तभी शार्क वांगले की तरफ आने लगती है, जिसे देख लीजा उसे आवाज लगाने लगती है, और वांगले एंड मोमेंट पर होश में आ जाता है। लेकिन अब वो किलर शार्क यहीं पर घूमने लगी थी, जिसे देखते ही सब डरने लगते हैं, और किसी को भी अब समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। इस पर वांगले समझाता है कि हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलना होगा। तब लड़का बताता है कि दरवाजा एक ट्रक से ब्लॉक हो गया है। अब इसकी वजह से इनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। तभी शार्क सांगनी के चारों तरफ घूमने लगती है, और फिर एक डेड बॉडी को खा जाती है। ये देख वांगली को एक आइडिया आता है, और इस ट्रक को एक ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है, क्योंकि यहाँ से निकलने का बस यही एक तरीका था। यह सुनकर सब इसकी बात मान जाते हैं, जिसके बाद वांगली अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसी के साथ वो अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने का भी डिसीजन लेता है, और अपनी वेडिंग रिंग को पानी में फेंक देता है। इसके बाद सांगनी पानी को हिलाने लगता है, जिसकी वजह से शार्क इसके आसपास घूमने लगती है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वांगली एक छोटा कपड़ा लेकर ट्रक पर आ जाता है। देन वो डीजल वाला टैंक तोड़ने लगता है, लेकिन अब शार्क इनकी चालाकी जान गई थी, और तुरंत ही वांगली पर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। अब इस खतरे को देखते ही लीजा पानी में आ जाती है, और अपना हाथ काट कर ब्लड को पानी में डाल देती है, जिस पर अट्रैक्ट होते हुए शार्क लीजा की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन अब लीजा तुरंत ऊपर आ जाती है। तभी इसी दौरान लड़की पानी में गिर जाती है, और वो किलर शार्क भी इसकी तरफ आने लगी थी। ये देख उसका बॉयफ्रेंड शार्क पर कूद जाता है,
और लीसा लड़की को ऊपर खींच लेती है, लेकिन इसी फाइट में शार्क लड़के का एक हाथ काट देती है। ये देख वांगली सांगनी से डेड बॉडी को उसकी तरफ भेजने को कहता है और फिर शार्क जैसे ही ट्रक के पास आती है वांगली ट्रक में आग लगा देता है और खुद पानी में आ जाता है। लेकिन इसके बाद ट्रक जैसे ही ब्लास्ट होती है इस दौरान वांगली और लड़का दोनों ही काफी जख्मी हो चुके थे, जिसे देख लीसा काफी परेशान हो जाती है। वहीं अब किलर शार्क काफी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और उसकी हालत मरने जैसी हो चुकी थी। तब सांगनी गुस्से में इसे पंच मारकर अपनी भड़ास निकालने लगता है, लेकिन तभी शार्क होश में आ जाती है और मरने से पहले सांगनी को भी मार देती है। दूसरी ओर लीसा की काफी कोशिशों के बाद वांगली फाइनली होश में आ जाता है और लीसा उसे किस कर लेती है। इसके बाद ये दोनों भी उस कपल के पास आते हैं और वो चारों एक साथ यहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर रेस्क्यू टीम का एक हेलीकॉप्टर भी आ गया था। और ये मूवी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने डॉटर फाइट जायंट स्नेक किंग को सेव और फादर वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सेट ऑल पर कर देना।